वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का लास्ट मेथड पढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो मेथड है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड में हम जैसे ये इक्वेशन दी हुई है, पहली 2x + 5y = 1, दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 3। अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इस तरीके से कन्वर्ट कर लें, 2x + 5y, और प्लस वन इधर आ गया, -1 = 0, और ये हो जाएगी 2x + 3y - 3 = 0। ax + by + c = 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको करना क्या होता है, इसका प्रोसीजर ये है। सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पर एक्स, वाई और 1। ठीक है, जब आप x के नीचे लिखेंगे तो आप एक काम कर लीजिए, पहले इन इक्वेशनों को इस फॉर्म में लिख दीजिए एक दूसरे के नीचे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। 2x + 3y - 3 = 0। देखिए करना क्या होता है, जैसे सबसे पहले x के नीचे अगर टर्म आपको लिखने हैं तो x वाले टर्म को बंद कर लीजिए। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, y के साथ 5 और 3 और -1 और -3, तो x वाले टर्म बंद हो जाएंगे, इन टर्मों को x के नीचे लिख दिया जाएगा। देखिए यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 5 और 3, तो यहाँ लिखेंगे 5 3, और क्या दिखाई दे रहा था, -1 और -3, तो -1 और -3। ठीक है, x के नीचे जब लिखेंगे तो x वाले टर्म को बंद करेंगे, बाकी दोनों टर्मों को लिख दिया जाएगा। अब y के नीचे आएंगे तो फिर y के टर्मों को बंद कर लेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे तो y वाले टर्म बंद हो गए। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, x वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशियंट है 2 2 दिखाई दे रहा है, और साथ में क्या दे रहा है, -1 और -3, तो -1 और -3 तो ऑलरेडी लिखा है y के नीचे, केवल 2 2 ये लिख दिया जाएगा y के नीचे यहाँ। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट टर्म के लिए इसको बंद कर देंगे, कांस्टेंट टर्म को। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 2 और 5 3, 2 2 तो ऑलरेडी लिखा है, 5 और 3 को और लिख लेंगे 1 के नीचे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे, ये इसकी ट्रिक है लिखने की। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना समझ में आया? ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, फिर लिखेंगे अगले स्टेप में x अपॉन, ठीक है, इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई प्लस इस -3 से होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 3 या 15, -15, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 1 जा 3, -3। ठीक, अब इसी तरीके से y के नीचे -1 का मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, 2 से, -1 का 2 से हुआ था -2, फिर बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई -3 का -2 प्लस 2 से होगा, तो -3 2 जा 6। 1 के नीचे लिखेंगे 2 3 जा 6, -5 2 जा 10। अब देखिए x अपॉन माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 15 15 प्लस 3 12, माइनस का इक्वल टू वाई अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस 6 6 - 2 4, 1 अपॉन 6 - 10, -4। अब एक एक करके इनको कंपेयर करेंगे, पहले एक्स वाले को कांस्टेंट से कंपेयर किए करिए, फिर वाई वाले को। पहले एक्स वाले को कंपेयर किया तो एक्स अपॉन -12 = 1 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 12 कट गया 3 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x = 3 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से y अपॉन 4 को कंपेयर करिए, = 1 अपॉन -4 से, तो 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इस तरीके से ये x और y आपको मिल गए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चंस आपको दी हुई हैं, आपको सॉल्व करने के 4 मेथड सिखाए गए। ठीक है, पहले पढ़ा था हमने, सबसे पहली वीडियो में देखा था हमने कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड, फिर उसके बाद हमने देखा एलिमिनेशन मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद अब ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो
तो आप जिस मेथड से आपको इजी लगे आप उस मेथड से किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिर पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ, उनको समझिए। देखिए क्वेश्चन है, इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को वैसे तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ग्राफिकल से नहीं कर पाएंगे, ग्राफिकल से तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ए और बी जो है वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, फिक्स कॉन्स्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है ए और बी की आपके पास। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, सबसे इजी मेथड पड़ेगा इसके लिए एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ ए प्लस बी इंटू वाई, यहाँ भी ए प्लस बी इंटू वाई, सेम टू सेम एक जैसे टर्म है। तो मैंने बताया था आपको जब एक जैसे टर्म हो और साइन भी एक जैसे हों दोनों के, तो इक्वेशंस में क्या करना चाहिए, इस एलिमिनेशन में सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए साइन चेंज हो जाएगा सबका, देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो देखिए ये एक प्लस का एक माइनस का कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में से, अंदर बचेगा ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, एक्स कॉमन लिया तो ए माइनस बी ये आ गया, और माइनस की वजह से ये माइनस ए और माइनस बी, ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। यहाँ देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, और देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, माइनस टू बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी। ठीक है, अब यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी माइनस टू बी, और एक्स ऑलरेडी पहले से है इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस टू बी, तो यहाँ बचेगा बी प्लस और यहाँ बचेगा ए, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, टू बी से टू बी कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी, ये एक आंसर हो गया आपका, एक्स की वैल्यू मिल गई आपको। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, जैसे हमने फर्स्ट में पुट कर दी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड, आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखिए ए माइनस बी इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो वाई की वैल्यू आ गई माइनस टू ए बी, और ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो अपॉन में आ जाएगा ए प्लस बी, ये आपकी वाई की वैल्यू हो गई। इस तरीके से आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, आप इनको भी करके देखिएगा। लगभग मेथड सारे हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं आपके, और एक वर्ड प्रॉब्लम और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन रो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर 50 मिनट्स। ही कैन रो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स 10 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी 4 किलोमीटर्स जो है वो जा सकता है अप स्ट्रीम में और 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो उसको 1 घंटा 50 मिनट लगते हैं, और अगर वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम आता है तो फिर उसको 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो आपको उस पर्सन की स्पीड निकालनी है स्टिल यानी कि रुके हुए पानी में, और करंट की स्पीड कितनी होगी यानी कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, अब पहले समझ लीजिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे पानी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वाटर इस डायरेक्शन में चल रहा है और आपकी जो नाव है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, आप अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पानी इस साइड जा रहा है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यानी कि आप पानी के अपोजिट चल रहे हैं, तो इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम।
ठीक है। और अगर पानी इस डायरेक्शन में चल रहा है और आप भी पानी की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी और आसानी से आप पानी के साथ साथ चलते चले जाएंगे, तो इसको बोला जाएगा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब पानी के अपोजिट चलना, डाउन स्ट्रीम का मतलब पानी के बहाव के साथ चलना। तो अप स्ट्रीम में हमेशा स्पीड कम हो जाती है, माइनस हो जाती है, क्योंकि आप पानी के अपोजिट जा रहे हैं तो आपको अपोजिट ताकत लगानी पड़ रही है, तो इसलिए स्पीड क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि आप पानी के साथ साथ जा रहे होते हैं, तो आपकी स्पीड और पानी की स्पीड प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, लेट द स्पीड ऑफ पर्सन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। हमने उस पर्सन की स्पीड मान ली स्टिल वाटर में कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट बी वाई किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड को क्या मान लिया, वाई किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक है, यानी कि आदमी एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और करंट वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, पानी की स्पीड वाई। अब देखिए, स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड जो है वो क्या बताया था अभी, कम हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो एक्स माइनस वाई। हमेशा पर्सन की स्पीड में से ही माइनस करना है करंट की स्पीड को। ठीक है, और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, अभी बताया था डाउन स्ट्रीम में आप पानी के साथ साथ चल रहे हैं, तो पानी की स्पीड और आपकी स्पीड प्लस हो जाएगी। इस तरीके से आप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको स्पीड पता लग गई और डिस्टेंस आपको पता ही है, टाइम पता है, तो रिलेशन का यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाले। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए टोटल टाइम पहले कितना लगा है उसको, 1 घंटा 50 मिनट। तो पहले अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा होगा उसको, तो फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की, एक्स माइनस वाई। ये पहला टाइम निकल के आ गया अप स्ट्रीम का। अब दूसरा टाइम निकालिए डाउन स्ट्रीम का, तो डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई। और जो टोटल टाइम था दोनों का मिला के वो कितना था, 1 घंटे 50 मिनट। तो उस 50 मिनट को भी अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 50/60 हो जाएगा, 5/6, यानी कि तो ये हो जाएगा 6 × 6 और 5 11, 11/6 हो जाएगा। यहाँ चेंज करके दिखा देता हूँ मैं, 1 आवर 50 मिनट्स में आवर में चेंज करें तो 60 का डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने उसको आवर में चेंज कर लिया है, 6 × 6 और 5 11, 11/6, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे डाउन स्ट्रीम की स्पीड। देखिए 20 डिस्टेंस है अपॉन अप स्ट्रीम में, हाँ इस एक्स माइनस वाई 20, और डाउन स्ट्रीम में भी टाइम जो लगेगा 20/x+y, और दोनों टाइम को प्लस किया और इक्वल टू 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 right 1/6 यानी कि 25/6, उसको भी सेम वैसे ही चेंज किया है मैंने, क्योंकि 4 right 10/60 होगा तो 0 से 0 कटेगा। ठीक है ना, उस तरीके से 6 4 24 और 125/6, ये देखिए आपकी ये दो इक्वेशनें बन के तैयार हो गई हैं। अब इन इक्वेशनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इस टाइप की कंडीशन जब बनती है, देखिए दोनों में नीचे एक्स माइनस वाई, यहाँ भी एक्स माइनस वाई, यहाँ अपॉन में एक्स प्लस वाई, यहाँ भी, इन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, लेट 1/x-y इन इक्वेशंस में से नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। 1/x-y को आप जैसे मान लीजिए u मान लिया आपने जैसे, ठीक है, और 1/x+y को क्या मान लिया आपने जैसे v। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ऊपर वाली वो चेंज होकर क्या बन जाएगी, देखिए 4u+16v=11/6, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 20u+20v=25/6। तो ये नई इक्वेशन है जनरेट हो गई, देखिए आप, अब ये सिंपल टाइप की इक्वेशंस बन गई, अब आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, देखिए एलिमिनेशन से अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 4 है या 20 है,
ऊपर अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 4 20, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अब मैं ज़रा इनको सिंपल कर रहा हूँ, एलिमिनेशन लगा रहा हूँ मेथड इसमें, ठीक है। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5 4 20u + 16 5 80v इक्वल टू 11 5 55/6, ठीक है। और ये ऐसी कैसी रहेगी, 20u + 20v = 25/6। अब देखिए ये क्वेश्चन सिंपल हो गई, एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने यहाँ पर। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, ठीक है। 80 में से 20 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 60v। और 55 में 22 5 गया तो कितना बचा, 30/6, ठीक है। 6 से ये कट गया 35 टाइम, और वी इक्वल टू निकल के आ गया यहाँ से 5/60, 5 1 5 12, यानी कि 1/12, ये वी की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब मैं इसको यहीं साइड में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। देखिए ये वी की वैल्यू मिली, इसको ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया थर्ड और इसको दे दिया फोर्थ, तो हम इसको पुट कर देते हैं, जैसे थर्ड में पुट कर दो या फोर्थ में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर थर्ड, हमने इसको थर्ड में पुट किया तो 4u + 16 और v की वैल्यू 1/12 = 11/6, ये कट गया। देखिए किससे कट रहा है, ये 4 से, 4 3 12, 4 4 16, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4u = 11/6 - 4/3, एलसीएम कितना आया 6, तो 11 - 8, ये आ गया 3/6, यानी कि 1/2। ये वैल्यू आपकी यू की निकल के आ गई 1/, ये 4 भी उधर ट्रांसफ़र होगा तो 4 2 8 हो जाएगा, यू और वी आपको फाइंड हो गए, ठीक है। ये वी निकल के आया और ये यू मिल गया आपको, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए एक्स और वाई की, तो यू किसके बराबर था, देखिए यू था 1/(x-y) के बाद, इट इम्प्लाइज दैट 1/(x-y) = 1/8, यानी कि x-y = क्या आ गया, 8 आ गया। और v, v क्या था, 1/12, यानी कि v किसको माना था आपने, 1/(x+y) को, तो 1/(x+y) = 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से x+y = कितना निकल के आ गया, 12, यानी कि दो नई इक्वेशन मिल गई, x-y = 8 और x+y = 12। अब ये बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, देखिए इनको ऐड कर दीजिए, y से y कट गया, x और x 2x, और 12 और 8 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो 10+y = 12, यानी कि y = 2, यानी कि ये पर्सन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए और प्रॉब्लम पूछिए। मेरी तरफ़ से इस यूनिट की मोस्टली जो मेथड्स थे, क्वेश्चंस थे, क्लियर हो चुके हैं। अब ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।